कक्षा 11 के डे 39 में और चैप्टर संख्या 4 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, जिसमें आगे न्यूमेरिकल लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल और। इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छी तरह से देख के प्रैक्टिस कर लें, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल से ही। इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, किसी कण की कण का स्थिति सदिश r सदिश बराबर हमें दे रखा है टी सी आई कैप माइनस 2t² जे कैप प्लस 4k कैप। ये हमें स्थिति सदिश दे रहे हैं। एक बार और क्या पूछा गया है, प्लस 4k के लिए प्लस 4k। आगे पूछा गया है कि दिया गया समय t सेकंड में है तथा सभी गुणकों के मात्रक इस प्रकार से है कि वे r मीटर को व्यक्त करें। समय हमें सेकंड में दे रखे हैं, याद इतनी दे रखे हैं वो किसमें सेकंड में है, और सभी गुणांक इस प्रकार से है कि विस्थापन को मीटर में व्यक्त करें। यदि विस्थापन और मूल्य हम इसमें लेते हैं मीटर में लेते हैं, तो यहाँ पर भी किसमें ही है मीटर में ही है, और ये विस्थापन है इसका। ये हम बातें सारी पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है रिवाइज कर लें, अगर आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमें निर्देशांकों का पता होना चाहिए, चैप्टर संख्या 3-4 में बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप होता है, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप होता है, और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप होता है। तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है एक्स का मान क्या है, तो के कैप के साथ लिखा हुआ है वो एक्स, वो के कैप के साथ लिखा है वो जेड का मान है, जो आई कैप के साथ लिखा है वो एक्स का मान है, जो जे कैप के साथ लिखा है वो वाई का मान है। तो उन्हीं वैल्यूज को हमें लेकर चलना है, उसी के अनुसार सॉल्व करना है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूर पूछे जाते हैं, जरूर किसी भी स्तर का एग्जाम हो चाहे उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से। अब इसमें क्या पूछा जाता है, नॉर्मली वेग पूछ लेते हैं, त्वरण पूछ लेते हैं, टी बराबर 1 सेकंड पर त्वरण क्या होगा, दिशा क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें भी हमें इसी तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट बात इसके अंदर तो हमें सोल्व करनी है, पहली बात वो क्या है, कर्ण का वेग और त्वरण निकालनी है। पहली बात हमें निकालनी है कर्ण का वेग और त्वरण, इस समीकरण से वो हम निकालेंगे। दूसरी बात है इसमें टी बराबर 2 सेकंड पर कर्ण के वेग का परिमाण और दिशा बताइए, वेग का परिमाण बताना और हमें दिशा बतानी। तो सबसे पहली बात सोल्व करते हैं, इसमें क्या निकालना है हमें, हमें वेग व त्वरण की समीकरण निकालनी है, त्वरण की समीकरण। अब हमें देखो ये विस्थापन तो होता है कंप्लीट वैल्यू है, ये नॉर्मली स्थिति सदिश होता है, ये सारी थ्योरेटिकल बात है। मूल बिंदु से वैल्यू ली जाती है वो स्थिति सदिश है, उसके अंदर x का मान भी होता है, y का भी होता है, और z का मान भी होता है। अगर मान लो ये वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब वहां z के अक्ष अनुदिश गति नहीं है, इसका मतलब वहां टू डायमेंशनल मोशन है, मोशन है द्विविमीय गति है। तीनों वैल्यू है इसका मतलब वहां थ्री डायमेंशनल मोशन है, त्रिविमीय गति है। तो जैसे हम इक्वेशन देती है उसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। ये स्थिति सदिश है, स्थिति है यानी ये मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें वेग निकालना है, तो वेग की सिंपल सी परिभाषा है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल करते समय हम ध्यान नहीं देते हैं, बातों में देने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वेक्टर जब आई के जे के के कैप लिखा है, इसका मतलब सदिश यही है, दिशाएं ये दिशाएं हैं, इकाई सदिश है आई के जे के और के कैप। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, जब हमें वेग निकालना है तो हमें पता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब सिंपल ये भी कह सकते हैं कि विस्थापन का जो अवकलन है वो वेग होता है, और वेग का जो अवकलन है वो त्वरण होता है। तो हमें अवकलन करना है, अवकलन के बारे में हम डिटेल से पहले बात कर चुके हैं, एक भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन, किसी भी राशि में परिवर्तन कितना हो सकता है। तो संख्याओं का अवकलन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो होता है। बाकी बातें लेते हैं अवकलन की, तो हमारे पास इलेवन में खासकर एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, एक्स की पावर एन का अवकलन, या टी की पावर कह दो, किसी भी फॉर्म में ले लो, वाई की पावर कह दो, एक्स की पावर एन का अवकलन लेंगे तो क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर माइनस वन हो जाती है, कम हो जाती है। बस ये फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है, यानी हमें अगर इन दे रखा हो कि जैसे टी की फॉर्मूले टी की पावर एन लिखा है, और डी अपॉन डी टी, क्योंकि हम टी की फॉर्मूले निकालते हैं,
तो वैल्यू क्या आएगी इसका, उत्तर आएगा एन टी की पावर एन माइनस वन। बस ये एक फॉर्मूला यूज होता है, जैसे अगर टी स्केल का करना है तो टू आगे मल्टीप्लाई में आ गया, टी की पावर टू माइनस वन टू टी हो गया। ठीक है, इसको हम बात कर लेते हैं यार, यहाँ वैल्यू पुट करें डी अपॉन डी टी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ तो क्या आएगा थ्री टी आई कैप माइनस टू टी स्केल जे कैप प्लस फोर के कैप, ये वैल्यू लेते हैं। अब अपने क्या करें, अब इसका अवकलन करते हैं। अवकलन किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में है, टी के सापेक्ष अवकलन है, इसीलिए टी के सापेक्ष अवकलन हमें करना है। तो टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहां कॉन्स्टेंट वैल्यू तीन, ये तो बाहर रहेगा तीन एज इट इज आ गया। टी का जो अवकलन है वो टी के सापेक्ष करेंगे, आई कैप का भी आई कैप भी बाहर आ जाएगा, टी का टी के सापेक्ष का हो जाएगा वन हो जाएगा। यहीं से देखेंगे डी अपॉन डी टी, टी का अवकलन करेंगे तो टी की पावर वन है तो वन आगे मल्टीप्लाई में आएगा, टी की पावर वन माइनस वन, टी की पावर क्या हो गई जीरो, किसी की पावर जीरो होती है तो उसका अवकलन वन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा टी आई थ्री आई कैप माइनस ये टू पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी टू इंटू टू फोर, टी की पावर एक कम हो जाएगी फोर टी जे कैप। क्लियर, अब इसके अंदर टी आई नहीं रहा तो ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो इसका अवकलन जीरो। जब टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी हम वहां होना चाहिए तब तो अवकलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब उसके अलावा कुछ भी है सब कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो, तो इसका अवकलन हो जाएगा जीरो। तो ये किसका मान आ गया, वेग की समीकरण आ गया, तो अपने पास वी इक्वल टू आ गया थ्री आई के माइनस फोर टी जे के। अब त्वरण की भी समीकरण निकालनी है तो त्वरण के निकालने के लिए क्या करते हैं, डी वी अपॉन डी टी जो है वो एक्सीलरेशन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण ए बराबर क्या लगाते हैं डी वी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी वी की वैल्यू पुट कर दो क्या जो आई है थ्री आई के माइनस फोर टी जे के। अब देखो इसके अंदर टी आई नहीं रहा, थ्री कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आई के तो डायरेक्शन को शो करते हैं तो इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्लियर, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, टी का टी के सापेक्ष हमने किया है, टी का क्या होता है वन होता है, इसलिए ये फोर और जे के। तो अपने पास ए का जो मान है वो क्या आ गया माइनस फोर जे के, ये दूसरी बात आ गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया इसका क्या, b की वैल्यू थ्री आई के माइनस फोर टी जे के और a की वैल्यू आ गई माइनस फोर जे के, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड है। अब दूसरी बात इसमें क्या पूछी गई है कि इसमें पूछा गया t बराबर दो सेकेंड पर वेग और त्वरण निकालना है, ठीक है, वेग निकालना है, त्वरण भी निकाल सकते हैं। वेग पूछा गया हमें, वेग का परिमाण बताओ और दिशा बताओ। तो वेग का परिमाण का मतलब क्या है, इस समीकरण का हमें यूज करना है। तो दूसरी बात जब सोल्व कर रहे हैं तो क्या दिया गया उसमें, टी बराबर कितनी सेकंड पे, दो सेकंड पे, तो जहां पर टी आ रहा है वहां पर क्या रख देंगे, दो रख देंगे बस और कुछ नहीं करना है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू इसमें तो टी आई नहीं रहा है तो एज इट इज आ गया माइनस, या टी की जगह टू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू फोर कितना हो गया एट माइनस इंटू जे के। तो अगर समीकरण पूछ रहे तो ये तो आ गई वेग की समीकरण, ठीक है, टी बराबर दो सेकंड पर, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा टी बराबर दो सेकंड पर वेग का परिमाण ज्ञात करो। परिमाण क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कहीं पर भी आ जाए वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हमें इसको सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर अपने पास जेड नहीं आ रहा क्योंकि जीरो हो गया था अवकलन में, तो एक्स और वाई आ गया, एक्स और वाई ये दोनों वैल्यू अपने ले लेते हैं। तो v का जब परिमाण लेते हैं, परिमाण को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो v, तो अंडर रूट क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दो ही वैल्यू है, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक y का जो मान सॉरी y का मान माइनस 8 है, वैल्यू पुट करते हैं ये क्या आ जाएगा x की जगह 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस इसकी जगह माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस हो जाएगा ये
नौ आ गया, ये आठ गुण आठ चौसठ आ जाएगा, और इसका इसका ये जोड़ तो आप कितना हो जाएगा इसमें, और जोड़ के जो भी रिजल्ट आए उसका ये कितना सेवेंटी हो जाएगा, और इसको पॉइंट में जहां तक मिल रहा है वो एक पॉइंट बाद एक दो अंकों तक निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें पूछी है, ये तो आ गया वेग का परिमाण, वेग का परिमाण। दूसरी बात पूछी दिशा, दिशा जब भी याद करते हैं तो हमेशा टेन थीटा ज्ञात करते हैं, सिंपल वे में ये कह सकते हैं थीटा ज्ञात करते हैं, थीटा निकालो, थीटा कहां से टेन थीटा क्यों निकालते हैं, ये डेरिवेशन पहले कर चुके हैं कि पिछली क्लासेस में, या तो कोई पॉइंट मान लो टू डी में है, थ्री डी में का हमने सोल्व किया था, थ्री डी में का डायरेक्ट लिखा था, तो यहाँ भी बिंदु है तो इसके निर्देशांक एक्स और वाई हो गए, कक्षा दस में भी इनको हम लेते हैं ग्राफिकल स्ट्रक्चर में, तो यहाँ से इसके अनुसार लेंगे तो ये तो वाई का मान हो गया और ये जो इसके अनुसार हो गया एक्स का मान, तो ये एक्स है और ये वाई है, इसलिए ये भी क्या हो गया वाई। अब पॉइंट तो यहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ से देखी जाती है, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से जो स्थिति देखते हैं वही उसकी दिशा होती है थीटा, ये अब हमें थीटा निकालना है, तो इसीलिए देखो ये दो वैल्यू होती है, यहां से टेन थीटा निकालते हैं, ये क्या हो गया लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसीलिए टेन थीटा का यूज किया जाता है, लंब बटे आधार, तो क्या यूज करते हैं वाई अपॉन एक्स, तो जब भी टेन थीटा निकालना हो हमेशा क्या निकालना है, हमेशा वाई अपॉन एक्स निकालना है, प्लस माइनस सिंबल का ध्यान रखना है, कि अगर यहाँ एक्स के मान देखें तो तीन है, आई का जो गुणांक होता है वो एक्स, जे का जो गुणांक होता है वो वाई, तो वाई का मान क्या है यहाँ माइनस आठ है, आठ में माइनस आठ है, इसलिए यहाँ तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब माइनस की वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है उसका इफेक्ट रहता है, माइनस का मतलब माइनस साइड में है वैल्यू, माइनस आठ का मतलब है वाई एक्स में नेगेटिव साइड में, यानी मूल बिंदु से अगर इस तरह से मान लेते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ मान लें इसका, ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा अगर निकाले तो क्या होता है वाई अपॉन एक्स, वाई का मान रख दें कितना है माइनस आठ बटे तीन, बस ये हो गया, हमें दिशा का मतलब कोण से है, कोण दिशा का मतलब होता है कि एक्स अक्ष से कितना किस साइड में है, किस साइड का मतलब है कोण की तुलना बताते हैं, 10 डिग्री तो ऐसे हो गया, 30 डिग्री तो ऐसे हो गया, ठीक है, 90 डिग्री तो ऐसे हो गया, जो भी इसकी डायरेक्शन है वो कोण के अकॉर्डिंग बताई जाती है, डायरेक्शन का मतलब कोण ही होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 8 बाय 3, ये हम इसे लिख सकते हैं, तो इतनी तरह की बातें इसके अंदर पूछी जाती है, वो हमें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर एक क्वेश्चन और करते हैं हम अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें कंडीशन अलग है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं कि कोई कण t बराबर जीरो क्षण पर, t बराबर जीरो समय से शुरू करता है, प्रारंभिक समय जीरो है, t बराबर जीरो क्षण पर मूल बिंदु को, मूल बिंदु से 10 जे के मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है, हमें उसका प्रारंभिक वेग दे रखे हैं 10 जे के मीटर पर सेकंड, 10 जे के मीटर पर सेकंड, ये इसका प्रारंभिक वेग हमें, इसके अलावा क्या दे रखे हैं, चलना प्रारंभ करता था एक्स वाई समतल में, द्विमी में गति कर रहा है, एक्स वाई समतल में गति कर रहा है, समतल में एक समान त्वरण 8 आई के प्लस 2 जे के मीटर पर सेकंड, इसके 8 आई के प्लस 2 जे के मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ये क्या कर रहा है, गति, ये दो बातें हमें इसके अंदर दे रखी, इसका मान दे दिया प्रारंभिक वेग का दे दिया, देखो क्वेश्चन को किसी भी तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के, कोई उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है कितने तरीके, लेकिन ये कंफर्म है जिस भी तरीके से पूछा जाएगा उस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो बातें हमें पता है उनको अप्लाई करते हैं, बातें वही है, जैसे अगर कोई समीकरण में वेग निकालना है त्वरण निकालना है तो विस्थापन होगा तो वेग आएगा और वेग होगा तो त्वरण आएगा,
टी बराबर एक सेकंड में, दो सेकंड में, तीन सेकंड में दे रखे हैं, तो तीन की जगह मान रखना है, पहले सोल्व करना बाद में मान रखना। परिमाण निकालना है तो जब समीकरण आ गई उसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के वो निकालना। यही तरीके इसके हैं, अलग अलग दिया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो यू का मान अलग से दे दिया और ए का मान अलग से दे दिया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को समीकरण बनानी पड़ेगी। सबसे पहला के पार्ट इसके अंदर क्या पूछा गया, ए भाग में पूछा गया वो किस क्षण कण का एक्स निर्देशांक 16 मीटर दूरी पर होगा। किस क्षण, क्षण का मतलब समय, किस समय पर कण जो है वो एक्स निर्देशांक में 16 मीटर दूरी पर होगा, यानी एक्स का मान 16 मीटर हो उसके लिए 16 मीटर दूरी तय कर ले कण गति करता हुआ, उसके लिए कितना समय लगेगा, उसके लिए वो हमें क्या करना है। एक बात, दूसरी बात, इसी समय पर वाई अक्ष पे कितनी दूरी तय कर लेगा वो। तो पहले तो हम समय निकालेंगे एक्स के लिए, क्योंकि एक्स का मान हमारे पास है, समय आ जाए, समय तो वही है, उतने समय में हम वाई का मान। अब एक्स और वाई के जो निर्देशांक है पहले उसको हम सोल्व करेंगे। तो पहले तो हमें विस्थापन सदिश इसका निकालना है। विस्थापन के लिए कैसे निकालें, हम इसको गति की समीकरण का यूज कर सकते हैं। गति की सबसे सिंपल समीकरण है, तीन समीकरण है, वी बराबर यू प्लस एटी से भी निकलेगा। दूसरी समीकरण है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इससे एस आ रहा है, एस क्या होती है दूरी, दूरी तो होती है, उसी को यहाँ क्या लिख देते हैं सदिश रूप में विस्थापन। तो यहाँ एस का यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर, क्योंकि टी तो टी है ही, समय जो हमें याद की है वो निकालना है, लेकिन उसके अलावा क्या है यू और ए इनके मान सदिश रूप में हमें दे रखे हैं। तो एस को तो क्या लिख दो आप चाहे तो आर वेक्टर लिख दो, ठीक है। आर वेक्टर का मतलब इसके अंदर सारी बातें आ गई, एक्स और वाई। अब टू डी में लिखा एक्स वाई समतल में गति कर रहा है, द्विमी में गति है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं आर का मतलब क्या होगा, यहाँ आर का मतलब होगा एक्स आई के प्लस वाई, आगे समझे आर का मतलब क्या है, हम ये इकाई सदिश निकाल के तब लेते हैं आर सदिश बराबर कोई बिंदु पी है उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तो उसका हम स्थिति सदिश आर सदिश लिखते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केयर। तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स और वाई के जो मान है वो हम देख लेंगे क्या है, लेकिन द्विमीय है तो इस समीकरण दो ही पार्ट आएंगे, तीसरा पार्ट नहीं आएगा। अब देखो इसके मान कैसे आएंगे, आप ये जो ऊपर समीकरण है इसके यू और ए के मान लिख दो, समीकरण बढ़ जाएंगे, यू की जगह यू का मान लिख दो कितना दस जे के इंटू टी और प्लस एक बटा दो ऐसा कैसा, ए का मान लिख दो ये पूरा दस और टी से गुणा में, तो गुणा में कर दो दस क्या जाएगा इसके भी गुणा में आ जाएगा ना एक बटा दो, सॉरी ये मान आठ है, आठ आई के प्लस दो जे के इंटू टी स्क्वायर, ये क्या आ गए ये समीकरण। आप इसको एक्स वाई के अलग अलग लिखे तो अलग अलग लिख सकते हैं, उनके गुणांक भी अलग अलग निकाल सकते हैं। देखो एक्स आई के प्लस वाई जे के निकाल लेते हैं, सोल्व करना आसान हो गया। यहां तो देखो आई आई के का गुणांक क्या है, आई के का गुणांक यही क्या आ रहा है क्या एक बटा दो इंटू आर इंटू में क्या है टी स्क्वायर, भी तो पूरे ब्रैकेट के गुणा में इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया ठीक है। किसका मान आई के का मान, आई के इसके एक्स का गुणांक किया गया एक मान, क्लियर। दूसरा जे के पर एक साथ ही लिख लो प्लस जे के पर, इसमें भी जे के है इसमें भी जे के है, तो इसमें तो कितना आ रहा है दस टी जेके को कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा दो, दो में दो का भाग देंगे एक क्या बचा जेके इंटू टी स्क्वायर, तो प्लस में क्या बचा टी स्क्वायर और जेके को निकाली हमने बाहर, ये देख लेना आप कैसे किया, क्लियर। आई के को एक जगह भी आई के दो तीन जगह आई के को एक जगह कर दे, जेके को एक जगह कर दे, के को एक जगह, क्योंकि गुणांक क्या होते हैं एक्स किसका गुणांक होता है आई के का, वाई किसका गुणांक होता है जे के का,
जब ये गुणांक वाई की फॉर्म में टी की फॉर्म में दो तीन पदों में भी आ सकते हैं तो उनको एक ही जगह आप एक जगह लिख दिया। अब दोनों की तुलना कर सकते हो, आई के पर गुणांक एक्स, इधर आई के पर गुणांक एक्स, तो यहां तुलना से क्या लिख सकते हैं, तुलना से एक्स बराबर क्या आ गया एक बटा दो, ये कट गया ना चार आ गया, चार लिखते डाले चार तीस पे, और तथा वाई का मान क्या आ गया दस टी प्लस तीस पे, ये आ गया दो मान। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक्स और वाई के मान जो है वो हमने फॉर्म निकाल लिया। अब आपको पहला पार्ट क्या कहा गया है, ए पार्ट में ये कहा गया है कि जब एक्स अक्ष के अनुदिश कण 16 मीटर की दूरी तय कर लेता है उसमें कितना समय लगेगा, तो क्या ज्ञात करना है हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए भाग में जब हम सोल्व कर रहे हैं तो एक्स का मान हमारे पास कितना है 16 मीटर, याद क्या करना है दो समीकरण आ गए ना बिल्कुल इजी, हमने कुछ नहीं किया केवल क्या किया ये मान रख के तुलना करी है, हमें यू का और ए का मान अलग अलग दे दिया, हमें ये देखना है कि विस्थापन कैसे बनाए उसको, तो विस्थापन बनाने के लिए गति की समीकरण है उसमें देखो किसमें विस्थापन बनाया जाता है, ठीक है पहले में बी जाता है ना, बी हमें दे नहीं रखा इसलिए हम उसका यूज नहीं कर सकते। दूसरी समीकरण में जो मान आते हैं एस विस्थापन वो हमें निकालना है, बाकी मान हमें दे रखे, तो यहां मान लगा एक्स बराबर 40 स्क्वायर में मान लगभग 4 कर दो एक्स की दे रख दो 16 बराबर 40 स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 और टी बराबर क्या आया प्लस माइनस 2, लेकिन हम प्लस मिलेंगे तो टी का मान कितना आ गया 2 सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन में ही एक बात और पूछिए, इसी समय में वाई अक्ष के दौरान कितनी दूरी होगी, 16 मीटर दूरी ले ली तो टी का मान 2 सेकंड आ गया, वाई अक्ष के अनुसार दूरी ले ली है तो वाई का मान चाहिए हमें, इसका मतलब वाई का मान याद कर रहे, तो यहाँ टी का मान तो कितना आ गया है 2 सेकंड आ गया, और वाई का मान हमें क्या याद करना है, हमें बताना है इसकी सोल्व करके, तो यहाँ टी का मान 2 रख दो वाई का मान क्या जाएगा, टी का मान 2 रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या आएगा 10 × 2 प्लस 2 की पावर 2, तो 10 × 2 कितना हो गया 20, 2 प्लस 2 × 2 4 कितना आ गया 24 मीटर, यानी जब एक्स अक्ष के अनुदिश 16 मीटर दूरी तय होगी तब वाई अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी हो जाएगी 24 मीटर। और इसके अंदर कोई बहुत बड़े गणित हमने नहीं लगाई है कोई ऐसा, हमने वो केवल एक बात हमने लगाई है गति की दूसरी समय, वो भी क्यों लगाई है क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमें यू दे रखे और हमें ए दे रखे हैं, यू और ए दे रखे, तो U और A किस में आ रहे हैं दूसरी समीकरण में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें विस्थापन चाहिए और विस्थापन एक दूसरी समीकरण से इजी वे में हम बता सकते हैं, दोनों को मान रखे T के पदों में हमारे पास समीकरण आ गए और वे भी आ गए। अब देखो R R सदिश की फॉर्म में देखिए तो ये समीकरण है अपने पास, ये देखो समीकरण एक दे देता हूं इसकी जरूरत रहेगी अब हमें, समीकरण एक R सदिश का मानिए, ठीक है पूरा अलग अलग लिखे हमने ये अलग अलग ये लिखा हुआ, ये भी समीकरण एक ही है, चाहे एक ही बात है ये और ये ही, तो इनको इकट्ठा लिख दिया है देखिए पूरी इच्छा सुनते हैं। अब हम दूसरी बात इसमें क्या पूछी है, दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है, इस क्षण कण की चाल कितनी होगी, चाल पूछिए, चाल का तो वेग का अधिश रूप, तो परिमाण निकालना होता है चाल का, तो पहले तो हम वेग का क्या निकाल समीकरण निकाल, मेरे पास तो समीकरण ही नहीं है, तो हमारे पास विस्थापन क्या है, विस्थापन की संख्या ऊपर लिख रही है, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ आर सदिश लिख दो चाहे, ये तो हमने तुलना करने के लिए लिखा था, अब इसको देखो भाग दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये दूसरा आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, देखो एक्स का मान वाई का मान, क्योंकि अपने पास समीकरण क्या होती है आर सदिश बराबर क्या होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के बी तो होता है, उसी से तुलना करके ये आया, चाहे इससे लिख लो चाहे ऊपर से तो लिख रही है सीधी की सीधी उठा दो, तो आर सदिश बराबर क्या आ जाएगा 4t² i² प्लस 10t प्लस t² j² आ गया। अब हमें वेग निकालना है तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, और वो भी पिछले क्वेश्चन में जो हमने बात की थी, a की फॉर्मूला अपने पास t की पावर n का d
डी अपॉन डी टी जब हम निकालते हैं अवकलन तो क्या होता है एन टी की पावर एन माइनस वन। तो आर इसको क्या निकालेंगे डी आर अपॉन डी टी जो किसके बराबर है वेग के बराबर है। तो इसका अवकलन करेंगे देखो टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा टी स्क्वायर का दो तो आगे गुणा में आ गया और टी की पावर एक बचेगी दो माइनस एक टू टी हो गया ना टू टी। तो टू टी को फोर से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया ए टी आई के। दूसरी बात इसका करें तो क्या आएगा टी का टी के समय क्या होता है वन तो कितना आ जाएगा दस प्लस टी स्क्वायर का कितना होता है टू टी दस प्लस टू टी इंटू जे के आगे समय पर किसकी वेग की। लेकिन क्या कुछ है इसी समय पर कौन से समय पर इसी समय पर इसी समय कौन से जो हमने निकाला था अभी वही इसी समय टी बराबर दो सेकेंड। तो पहले हम टी का मान रखेंगे अब टी का मान किसमें रखना क्योंकि वेग निकालना है इसलिए वेग में रखेंगे ठीक है। विस्थापन निकाला तो विस्थापन रख दिया अब वेग निकालना है तो वेग की समीकरण में रखना है। तो यहाँ दो रखेंगे तो क्या हो जाएगा दो गुणा आठ कितना हो गया सोलह आएंगे क्या रखा हमने टी बराबर दो सेकेंड रख दिया अप्लाई कर दिया तो सोलह आएंगे प्लस या दो रखेंगे दो गुणा दो चार चार को दस में जोड़ा कितना फोर्टी जे के। ये तो किसका मान आ गया अगर समीकरण कहें तो ये आ गई है वेग की समीकरण अगर समीकरण कहें तो ठीक है ये समीकरण। अब आप क्या पूछे चाल याद करो चाल चाल याद करनी है चाल याद करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला अपने पास क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां इसको सोल्व कर लो वी इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट सोलह का स्क्वायर प्लस चौदह का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लें जो भी आंसर आएगा वही निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेवंथ का जो बेसिक स्ट्रॉन्ग अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसीलिए पिछले तीन चार क्लासेस से हम इसके न्यूमेरिकल डाल रहे हैं क्योंकि इनको सोल्व करने में देखो कितना समय लग रहा है लेकिन अगर आप इनको एक बार समझ लेते हैं तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आती। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करके देखें जितने हो सकेंगे हम अपलोड कर देंगे बाकी आपको सोल्व सिंप्लीफाई करके देखें ज्यादा मुश्किल नहीं है थोड़ी बहुत दिक्कत शुरू में आएगी बाद में नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें सोल्व करें तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है सब सोल्व हो जाएगा बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।